अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा हालिद। आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही में इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि स्टेट और सोसाइटी के दरमियान में होता है, जिसके बगैर सोसाइटी ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। ये भी बिल्कुल वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है या कि किसी प्रॉपर्टी का। ये भी सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान में होता है। एक गोल्डन फार्मूला है जो इसकी वजाहत करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, वो ये है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। इसका मतलब ये है कि अगले बंदे को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप दूसरे बंदे से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको ट्रीट करे। अगर आप खुद को हार्म नहीं कर सकते तो आप पे ये फर्ज है कि आप दूसरे को भी हार्म ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम इसके बियॉन्ड बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले क्या था, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले सोसाइटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। जो अमीर था वो गरीब पर गालिब आ जाता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी करता था, जिसकी प्रॉपर्टी चाहे कब्जे में ले लेता था। सोसाइटी को बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया स्टेट और सिटीजन के दरमियान, जिसमें यह तय पाया कि स्टेट सिटीजन को लीगल राइट्स देगी और जो सिटीजन हैं वो इसके बदले में उनके जो रूल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने कानून बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करेंगे। सुकरात अपनी राय का इजहार सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर इस तरह से करते हैं कि जब मुझे प्रिजन में भेजा गया, मुझे जेल में भेजा गया, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहां से एस्केप नहीं हुआ, भागा नहीं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि स्टेट और सिटीजन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी मैंने वायलेशन की है और बदले में मुझे जेल में भेजा गया है, तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया। अगर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 4 और 5 में ये कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जिसमें आर्टिकल 4 में ये है कि लोगों को उनके लीगल राइट्स दिए जाएंगे, बदले में आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है कि जो लोग हैं वो स्टेट्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हम इनकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के भी, फ्रेंड्स के भी, ऐसे ही रिलेटिव्स, फैमिलीज वगैरह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर डेफिनेशन नजर आ रही होगी, एन एक्चुअल और हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट, मतलब कि हकीकी या इमेजिनरी जिसे हम तसव्वुर में लाते हैं, वो एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, किसी सोसाइटी के लोगों के दरमियान, और बिटवीन अ कम्युनिटी या किसी माशरे एंड इट्स रूलर और इसके हाकम जो हुकूमत कर रहा है उसके दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में। करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले पैक्टम यूनियन आती है। पैक्टम यूनियन में क्या होता है कि जैसे हमने पिछला रूल पढ़ा था गोल्डन रूल, उसी की बेस पर है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, मतलब कि दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग आपके साथ करें। दूसरी करैक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इसमें पैक्टम सब्जेक्शंस आ जाती है, जिसमें ये होता है कि लोग मिलकर अपनी मर्जी से कुछ अपनी जो फ्रीडम का पार्ट है वो अथॉरिटी को दे देते हैं, जिसके बाद वो जो अथॉरिटी है उन्हें लीगल राइट्स देती है, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम एट्सेट्रा बहुत कुछ आ जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।